सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें अनुकूल बजट में, ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। केरल से भागकर ISIS से जुड़ने गई एक महिला अफगानिस्तान में फंस गई है। उसकी मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उसे वापस लाया जाए और उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। निमिषा फतिमा नाम की यह महिला 2017 में केरल से लापता हो गई थी। बाद में खबर आई थी कि उसने आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने के बाद 2019 में अफगान सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। काबुल पर अफगानिस्तान के कब्जा करने और जेल से सैकड़ों कैदियों को रिहा करने के 2 दिन बाद निमिषा की मां बिंदु संपत ने सरकार से यह अपील की है। निमिषा फातिमा काबुल की जेल में सजा काट रही थी। कैदियों को रिहा करने के बाद वह कहां गई इसकी कोई खबर नहीं है। निमिषा की 5 साल की बेटी भी है। बिंदु संपत ने कहा कि उन्हें डर है कि उनकी नातिन तालिबान के हाथों में न पड़ जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, जब मैंने खबर सुनी कि कैदियों को रिहा किया गया है तो मैं बहुत खुश हुई। फिर शाम तक खबर आई कि उन्हें रिहा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, अगर निमिषा ने मेरे देश के साथ कुछ गलत किया है तो उसे यहीं के कानून के हिसाब से सजा दी जाए। मैं 4 साल से यही कर रही हूँ। अगर उसे अफगानिस्तान से भारत लाया जाता है तो मैं अपने नातिन का ख्याल रख पाऊंगी, वरना वह भी इन आतंकियों का शिकार बन जाएगी। मैं नहीं जानती कि भारत सरकार उसे वापस लाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। निमिषा और उसकी 4 साल की बेटी अफगानिस्तान की जेल में तब से है जब उसने और ISIS से जुड़े 400 लोगों ने अफगानी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ISIS बेस पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक में निमिषा फातिमा का पति मारा गया था। DRV न्यूज़ के लिए मेघा खाड़े की रिपोर्ट।